हेलो एवरीवन दिस इज़ द एटथींथ वीडियो ऑफ द चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है इस वीडियो में हम लोग अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने लैक ओपरॉन तक कंप्लीट कर लिया था जिसमें जीन रेगुलेशन के बारे में हम लोग ने पूरा डिस्कस किया था अब hmm. हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो चलिए आइए हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अब एज पर जैसे जीनोम आपको पता है कि जीनोम होता है द हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोजोम तो ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स आते हैं और एक वाई क्रोमोजोम मतलब दैट इज टोटल ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स आते हैं ठीक अब एग्जैक्टली exactly हुआ क्या विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक हो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के एस्टेब्लिशमेंट के बाद मतलब जि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच और उसकी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई और जब ये पॉसिबल हो पाया कि हम डीएनए को आइसोलेट करें और डीएनए के पीसेस को क्लोन कर सकें और बहुत सारी सिंपल और फास्ट टेक्निक हम लोग ने डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए मतलब डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए बहुत सारी फास्ट और सिंपल टेक्निक्स को जब हम लोग ने डेवलप कर लिया तो उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस के लिए इन द ईयर 1990 ठीक है एंड दैट प्रोजेक्ट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट कौन था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था क्योंकि दैट मीन्स कि इतने जो बड़ा ह्यूमन जीनोम है इसमें जो जितने जीन्स हैं उन सभी जीन्स के सीक्वेंस और उनके फंक्शंस के बारे में पता लगाना उसको सीक्वेंस करना ये एक बहुत बड़ा पार्ट था देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो बेसिकली थर्टीन ईयर प्रोजेक्ट ये थर्टीन ईयर प्रोजेक्ट चला और इसमें दो लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन दो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा और इनके कोऑर्डिनेशन से इनके सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट था ये थर्टीन ईयर में कंप्लीट हुआ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ह्यूमन जीरो प्रोजेक्ट के शुरुआती सालों में जो इनका मेन मेजर पार्टनर था वो था वेलकम ट्रस्ट यू ठीक है वेलकम ट्रस्ट था बट बाद में और भी कंट्रीब्यूशंस धीरे धीरे अदर कंट्रीज से भी आने लगे जापान से फ्रांस से जर्मनी से चाइना से और कुछ कंट्रीज हैं उनसे ये जो और कंट्रीब्यूशंस इसमें ऐड हुए और इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 2003 में कंप्लीट किया गया इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो ह्यूमन जीनोम में जितने भी जीन्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनका पता लगाना उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस का पता लगाना आइए हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली exactly इस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसका क्या उद्देश्य था इसके क्या गोल्स थे तो पहला तो गोल ये था कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीन्स इन द ह्यूमन डी मतलब जो भी बीस से पच्चीस हजार जो भी जीन्स ह्यूमन डी में थे या जो भी थे उनका पता लगाना था डिटरमाइन द सिक्वेंस ऑफ द थ्री मिलियन केमिकल बेस पेयड जो भी थ्री मिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो आ, एक तरीके से थ्री बिलियन बेस पेड्स हैं कहेंगे हम थ्री बिलियन बेस पेयड्स जो हैं और जिन्होंने ह्यूमन डीएनए को फॉर्म किया था उनके बारे में पता लगाया फिर उस इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया बड़े बड़े डेटाबेस में डेटाबेस की फॉर्म में हमने उस पूरे कंप्लीट सीक्वेंस को जो के सीक्वेंस को हम लोग ने स्टोर करना इसका उद्देश्य था इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस उसका अगला उद्देश्य था कि जो डेटा एनालिसिस है उसके लिए और नए नए टूल्स डेवलप करना जिससे आगे जो जीन्स की हैंडलिंग में या जीन्स के से हम तरह तरह के यूज़ कर सकते हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हैं उसके फंक्शंस को हम अपने दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं तो डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स को भी डेवलप करना जिसका हम आगे यूज़ कर सकते हैं एंड एड्रेस द एथिकल लीगल सोशल जो भी जिस तरह के एथिकल लीगल और सोशल इशूज़ थे जो भी मतलब उस प्रोजेक्ट से आने वाले थे उसके बारे में भी उसको दूर करना ठीक है तो मतलब एग्जैक्टली ह्यूमन जीरोम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे उनका भी उनको भी देखना उनका पता लगाना उसको रिमूव करना ये मेन इसके गोल्स थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अब हम इसमें आगे देखते हैं देखो जैसे हम लोग को जब हम लोग को डी एन ए वेरिएशन्स के बारे में जानकारी हुई नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डी एन ए वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल्स की जैसे हम लोग में सबके जीनों में कुछ ना कुछ जीन्स या कुछ ना कुछ सीक्वेंस जो है थोड़ा डिफरेंट है उस वजह से वेरिएशन होता है और इस तरीके से हम लोग ने एक नए रिवोल्यूशनरी एक नए तरीके डेवलप किए टू डायगनोज ट्रीट एंड समे और इससे हम अगर हम जीनोम ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस का पता लगाते हैं तो हम और नए एक तरीके से नए क्रांतिकारी तरीके डेवलप कर सकते हैं डायग्नोस जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज उनको पहचानने के तरीक़ों का उनको कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए और कभी कभी किसी ना किसी दिन हम लोग हज़ारों जो डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में जो नॉलेज नहीं है उनके बारे में भी उनको पता लगाना और जो ह्यूमन बीइंग्स को बहुत लंबे समय से एफेक्ट करते आ रहे हैं दैट मींस इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद इस प्रोजेक्ट के बाद हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगी डिजीज़ uh, को ट्रीटमेंट में डिजीज के ट्रीटमेंट में और बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगाने में तो ये गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अब एग्जैक्टली देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक तरीके से कहें उसमें थ्री इंटू टेन्स और नाइन बेस पेयर मतलब करीब थ्री बिलियन बेस पेयर्स थे और अगर एक का कॉस्ट सिर्फ एक बेस पेयर का कॉस्ट आता है अगर तीन यूएस डॉलर अगर पर बेस पेयर देखें जो कि एक एस्टिमेटेड कॉस्ट था जिसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का होता वो अप्रॉक्सीमेटली था नाइन बिलियन यू डॉलर क्योंकि करीब थ्री बिलियन बेस पेयर्स थे और एक बेस पेयर के लिए तीन यू डॉलर लग रहे थे तो नाइन बिलियन यू डॉलर टोटल इसका अप्रोक्सीमेट खर्च था फर्दर इफ द ऑपटेंड सिक्वेंस वर्ड टू भी स्टोर्ड अगर मान लीजिए मतलब जो भी सीक्वेंस इसके बारे में पता लगाया गया थ्री बिलियन बेस पेस तो अगर ये सिकवेंस जो हम लोग ऑप्टेन करते उस टाइम पर वर्ड टू तो बी स्टोर्ड अगर उसको स्टोर्ड किया जाता अगर बुक्स की फॉर्म में तो अगर बुक के हर एक पेज में एक हज़ार लेटर होते और हर एक बुक में एक हज़ार पेजेज होते तो ऐसी थर्टी थ्री हंड्रेड बुक्स लग जाती टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डी एन ए सीक्वेंस मतलब डी एन ए के जो बेस परस से उनके सिकवेंस को उसमें प्रिंट करने में स्टोर करने में करीब तीन हज़ार तीन सौ तैतीस सौ थर्टी थ्री हंड्रेड बुक्स लग जाती फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल एक ह्यूमन सेल के सीक्वेंस को वहाँ उसमें स्टोर करने में तो अगर ये लाइब्रेरी होती जिसमें तैंतीस सौ बुक होती और एक हर एक बुक में अगर एक हज़ार पेजेस होते और हर एक पेज में एक हज़ार लेटर होते तब जाकर के ह्यूमन का जो जीनो में उसका सीक्वेंस स्टोर हो पाता तो ये जो इतना ज़्यादा जो डेटा है सच इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेट अब ये जो इतना बड़ा डेटा जो जनरेट होना था इसके लिए ज़रूरत पड़ी यूज़ ऑफ़ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर्स इतने बड़े डेटा को स्टोर करके एनालाइज नहीं कर सकते थे तो उसके लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीबल जिसमें उस जिनोम सीक्वेंस का डेटा स्टोर किया जा सके और वक्त पड़ने में उसको रिट्रीव भी किया जा सके उसका हम यूज़ कर सके और उसकी एनालिसिस कर सके मतलब उसका विश्लेषण कर सके कि उससे हम आगे क्या क्या यूज कर सकते हैं उसका क्या यूज आ, उसके बारे में मतलब किस तरीके से हम उसको अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आइए देखते हैं देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो सीधा उसका डेवलप उसका रिलेशन था रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें ये बायोलॉजी की एक वो ब्रांच है जिसमें हम इन्फॉर्मेटिक्स और बायोलॉजी को दोनों को कंपाइल करते हैं साथ में रखते हैं मतलब दैट मीन्स जो बायोलॉजिकल डेटा है उसको अगर हम डेटा बेस की फॉर्म में स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में और उसको हम फिर यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड टूल्स तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इस तरह की स्टडी को डील करती थी दैट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने डेटा को स्टोर करना था उसको बाद में एनालिसिस करनी थी उसकी ट्रीट उसका रिट्रीवल था तो इसके लिए ग... बायोलॉजी की एक नई ब्रांच डेवलप हुई दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स डी एन ए सिक्वेंसिस कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंडिंग दियर नेचुरल कैपेबिलिटी अगर हम डी एन ए सिक्वेंसेज का पता लगाते हैं जीन्स के का पता लगाते हैं तो हम उनके नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा सकते हैं कि जीन्स की दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर जिससे अगर हम जीन्स के फंक्शनिंग के बारे में जीन्स के स्ट्रक्चर उसके फंक्शन से रिलेशनशिप अगर हम पता कर लेते हैं तो जो हमारे हेल्थ केयर है एग्रीकल्चर है एनर्जी प्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल रेमिडीशन है इस तरह के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम उनका यूज़ कर सकते हैं और इन सब क्षेत्रों को डेवलप कर सकते हैं जैसे मैं किसी प्लांट के जीनोम का पता लगा लिया उसके जीन्स का पता लगा लिया तो हम उसको मॉडिफाई करके उसके चेंज करके उसको ट्रीट करके हम तरह तरह की जो नई नई वैराइटीज़ हैं प्लांट की डेवलप कर सकते हैं प्लांट को मेनली इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट और डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स को इनकलकेट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं तो डी एन का जो डी सीक्वेंसिंग है इसका हम आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं देखो बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्निजम्स से जैसे बैक्टीरिया ईस्ट सीनोरेबडाटिट्स एलिगेंस ये एक नॉन पैथोजेनिक जो है फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है और ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई कहते हैं प्लांट्स में जैसे राइस है एरेबिडॉपसिस हैं इन सब के डी को भी सीक्वेंस किया गया और इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका यूज़ करके हम लोग ने बहुत ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट्स भी पाए हैं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद इन सब ऑर्गेनिज्म्स के भी जीनोम को सीक्वेंस किया गया और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सीक्वेंसेज हंड्रेड का थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंसेज अब तक के हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा डेटा जो है पूरा बायो ब्रांच में हम लोग स्टडी कर सकते हैं अब एग्जैक्टली exactly जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ तो उसकी मैथडोलॉजीज क्या थी क्या मैथड्स बेसिकली यूज किए गए थे तो जो इनके मैथड्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किए गए थे मेनली वो दो मैथड थे पहला था ई और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन ई एस टीज देखो जैसे नाम से पता चल रहा है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स मतलब ये इस अप्रोच में इस मेथड में हमने सिर्फ उन जींस को आइडेंटिफाई किया या उनको फोकस किया जिनमें आरएनए एन एक्सप्रेस्ड होता है एक्सप्रेसड होता का मतलब ये डीएनए का कोडिंग रीजन्स हैं सिर्फ मतलब ये हम लोग ने देखा है कि जो यू सेल होती है उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पोर्शंस होते हैं लेकिन हमने इस अप्रोच में सबसे पहले सिर्फ उन जींस को देखा जिनका आर बनता था मतलब जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता था या जिनका ट्रांसलेशन होता था दैट मीन्स हमने सिर्फ डी के एक्सप्रेसड पोर्शन को आइडेंटिफाई किया और उनको सीक्वेंस किया दूसरा काम था दूसरा मेथड था सीक्वेंस एनोटेशन मतलब पहला तरीका था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स को स्टडी करना देन उसके बाद उनको सीक्वेंस एनोटेट करना उनके सीक्वेंस को दैट मीन्स कि ब्लाइंड अप्रोच था ये पूरा इसमें सिंपली हम जो एक्सप्रेज पोर्शन था जीन्स का उनको सीक्वेंस करते थे पूरे कंप्लीट जीनोम को और जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स भी आते थे बट और बाद में हम उसको असाइन करते थे डिफरेंट रीजन्स मतलब उनके फंक्शंस के बेसिस पे इसे बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन मतलब जितना भी एक्सप्रेस सीक्वेंस था जितना भी एक्सप्रेसिंग जीन्स थे उनके सीक्वेंस को उनके फंक्शंस के साथ एनोटेट करना मतलब दैट मींस उनके फंक्शंस का पता लगा के उनको उसमें नोटिफाई करना तो ये था सीक्वेंस एनोटेशन तो दैट मींस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने सिर्फ उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो एक्सप्रेसड पोर्शन था जीन्स का उनको हमने अलग किया और सीक्वेंस नोटेशन में हमने पूरे कंप्लीट जीनो में जो जो एक्सप्रेस जीन्स थे जो कोडिंग रीजन्स थे और नॉन कोडिंग रीजन्स थे उनको हमने आइडेंटिफाई करके जो कोडिंग रीजन्स था उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उनको नोटिफाई uh, किया और जो नॉन कोडिंग रीजन्स थे उनको भी हमने पहचाना तो ये दो मेन मेथडोलॉजीज थी आ, इसके डीएनए सीक्वेंस के लिए अब देखो फॉर अब हम जब सीक्वेंसिंग के लिए सबसे पहले टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज़ आइसोलेटेड जो डीएनए का पूरे एक सेल सार से सारा डीएनए आइसोलेट किया जाता था फिर उसके बाद उसके रैंडम फ्रैगमेंट्स किए गए मतलब उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स तोड़े गए ऑफ रिलेटिव स्मॉलर साइज़ेस मतलब छोटे छोटे साइज के थे क्योंकि हमको पता है कि डीएनए जो है एक बहुत बड़ा पॉलीमर है एक बहुत बड़ा पॉलीमरिक मॉलिक्यूल है और इसकी एक टेक्निकल लिमिटेशंस होती है कि हम पूरे डीएनए को उसके जो पूरा कंप्लीट डीएनए उसको एक साथ अनवाइंड करके उसके सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसलिए डीएनए के पहले बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के एग्जैक्टली exactly ये उस तरीके से फंक्शन होता है जैसे कोई एक बहुत बड़ा टास्क होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हर एक पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं देन उन सारे सॉल्यूशंस को फिर हम एक साथ कंपाइल कर लेते हैं इस तरीके से एक बड़ी टास्क को क्या किया जा सकता है सॉल्व किया जा सकता है इसे एक तरीके से टीम टास्क बोलते हैं और इसका एक नाम है आपका मेन जो आपने सुना होगा या एग्जैक्टली रैंडम शॉर्ट सीक्वेंसिंग मेथड इसे बोलते हैं रैंडम शॉर्ट सीक्वेंसिंग मेथड इसमें एग्जैक्टली exactly एक तरीके से कोई बड़ा मेजर टास्क है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पार्ट के सोल्यूशन करके उन सारे सोल्यूशंस को बाद में कंपाइल कर दिया जाता है तो एक्जैक्टली exactly यही वर्क हम लोग ने सिक्वेंसिंग लिए भी यूज किया गया था कि चूंकि टेक्निकल लिमिटेशन से ही बहुत लंबे लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल को हम नहीं एक तरीके से पूरा कंप्लीट एंड कर सकते थे तो इस वजह से उसके पीसेस किए गए और फिर उन पीसेस को क्लोन किया गया सुटेबल होस्ट सेल्स में क्योंकि जो यूक्राटिक अगर जीरो तो में तो यूक्राटिक सेल में यूज़ किया गया स्पेशलाइज वैक्टर्स की हेल्प से जो मेन वैक्टर्स थे दो जो इतने बड़े क्रोमोजोम uh, को जो ह्यूमन डीएनए uh, को क्लोन कर सकते थे उनका यूज़ करके हमने इनकी क्लोनिंग की एंड क्लोनिंग से क्या हुआ कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट वो जो जितने भी फ्रैगमेंट्स डीएनए के थे उनका एम्पलीफिकेशन उनके उनकी कई कॉपीज हो गई और बाद में उनको हमने सिकवेंसिंग के लिए यूज़ किया आसानी से क्योंकि अगर एक ही कॉपी होती और सिक्वेंसिंग के दौरान अगर उसमें कोई डैमेज होता तो हमारा पूरा जो एक तरीके से वर्क है वो पूरा रुक रुक जाता वो पूरा वर्क ख़राब हो सकता था इसलिए उसकी कई कॉपी होना ज़रूरी है और सभी कॉपीज को सीक्वेंस किया गया जिससे अगर किसी में भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो सिक्वेंसिंग के लिए हमारे पास और कॉपीज रहें जो कॉमनली यूज होस्ट किए यूज़ किए गए थे वो थे बैक्टीरिया और ईस्ट बैक्टीरिया में बेसिकली देखो बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये एक बहुत एक ऐसा वेक्टर है जो बहुत बड़े साइज के डीएनए को भी क्लोन कर सकता है और उससे ज़्यादा है होता है येक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट को भी क्लोन कर सकते हैं इसलिए इन दोनों का बैक और यक ये दोनों वैक्टर हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था फ्रैगमेंट्स को क्लोन करने के लिए द फ्रेगमेंट्स वर्स सीक्वेंसड अब जो फ्रेगमेंट्स डी एन ए के बने उनको ऑटोमेटेड डी एन ए सीक्वेंसर्स ये मशीन होती हैं ऑटोमेटेड डी एन ए सिक्वेंसर्स इनकी हेल्प से सवेंस किया गया और ये मशीन वर्क करती है फ्रेडरिक सेंगर का जो मैथड था उसके बेसिस पे उसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है फ्रेडरिक सेंगर अगर आप लोग ने आप लोग को डी एन ए सिक्वेंसिंग के बारे में अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उसके लिए हम आपको बता दें जो फ्रेडरिक सेंगर हैं इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डीएनए को सी की सीक्वेंसिंग टेक्निक बताई थी और सबसे पहले प्रोटीन की सीक्वेंसिंग टेक्निक भी इन्होंने ही बताई थी इसलिए इनको दो बार नोबेल प्राइज़ मिला है तो जो इनकी फ्रेडरिक सेंगल की सेंगर की जो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक थी वो थी डाएडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड डायडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन मेथड इसके बारे में डिटेल में हम लोग uh, फिर कभी इसके लिए वीडियो हम बना देंगे तो उसको आप इस मेथड को देख लीजिएगा और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए एक भी और मेथड बहुत ज़्यादा फेमस uh, है वो है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड ठीक है बट uh, वो अब जो ये है ये फ्रेडरिक सेंगर और एंड्रयू कोल्सन का सेंगर और कोल्सन का ये मेथड था डाइडी ऑक्सीड चेन टर्मिनेशन और इसके प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स मशीन थी अगर मैनुअली या इनके मेथड के थ्रू अगर डी डी एन टी पी डेडी के थ्रू करते तो ये बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग था और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी था बट चूंकि ऑटोमेटेड डी एन का यूज़ करके बहुत ही हमको ईज हो गई बहुत ही हेल्प हो गई थी डीएनए की सिक्वेंसिंग करने के लिए तो साइंटिस्ट ने इसका यूज करके ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स का यूज करके ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की देखिए अब लिखा है कि संगर इज आल्सो क्रेडिट फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सिक्वेंस इन प्रोटीन्स दैट मीन्स प्रोटीन में भी इन्होंने एसिड के सीक्वेंस के लिए भी इन्होंने मेथड टेक्निक दी थी तो फ्रेडरिक संगर का नाम इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है तो आई थिंक आप लोग को ये ह्यूमन जिनो जिनोम प्रोजेक्ट के बारे में ये क्लियर हो गया होगा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं जो सीक्वेंसेस बाद में जब उन फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया बाद में उन सीक्वेंसेस को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन्स जो फ्रेगमेंट्स जहाँ पे कट हुए थे वहाँ पे उनके कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स थे जिनके बेसिस पे ये पता लगा लिया गया था कि कौन सा फ्रैगमेंट्स की क्या लोकेशन है क्या पोजीशन है और ये ज़रूरी था इसीलिए जो फ्रैगमेंट्स थे उनमें ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स थे सीक्वेंसिंग के लिए इन इन फ्रैगमेंट्स को जो ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स थे इनको मैनुअली ये पॉसिबल नहीं था कि उसको अलाइन किया जा सके इसलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स थे जो उन सीक्वेंस को जो ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस थे उनको उन्होंने एक दूसरे पे अलाइन करके एक कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाया ठीक है दिस सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइन टू ईच क्रोमोजोम बाद में उन सीक्वेंसेस को जिन क्रोमोजोम से वो डीएनए फ्रैगमेंट निकाले गए थे उन क्रोमोसोम्स को वो असाइन कर लिए गए थे जो क्रोमोजोम वन है ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम है ह्यूमन जीनोम में और इसका जो कम्पलिशन था इसका सीक्वेंस था वो कम्प्लीट हुआ था मे 2006 में ये लास्ट था 24 फोर क्रोमोजोम ह्यूमन क्रोमोजोम जो थे जिसमें 22 टू ऑटोजोम थे और एक एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोजोम थे टोटल to 24 फोर क्रोमोजोम थे जिनको सीक्वेंस किया गया था जिसमें क्रोमोजोम वन जो है इसका सीक्वेंस सबसे लास्ट में हुआ था अनदर चैलेंजिंग टास्क एक दूसरा चैलेंजिंग टास्क ये था असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम अब जो एग्जैक्टली exactly जो जीनोम है जैसे ये क्रोमोजोम है ये फर्स्ट क्रोमोजोम है तो इसमें कौन से जीन की क्या पोजीशन है और उसका फंक्शन जो है इसको एनोटेट भी करना मतलब असाइन भी करना मतलब एग्जैक्टली exactly हम लोग ने सब जीन का पता लगा लिया था मतलब साइंटिस्ट ने बट उसको असाइन भी करना कि किस क्रोमोजोम पर कितने जीन्स और उनका क्या फंक्शन होता है दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन अब इसका यूज़ किया गया था पॉलीमोफिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकोगनीशन साइट्स क्योंकि जब ये कट किए गए थे क्रोमोजोम्स फ्रेगमेंट्स में डी एन ए फ्रेगमेंट्स में कट किए गए थे उस टाइम पर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का यूज़ किया गया था एनजाइम्स का बाद में उन्हीं एंजाइम्स की जो रिकोगनीशन साइट्स थी उनका यूज़ करके उनके सीक्वेंसेस को अलाइन किया गया कि कौन सी पोजीशन में किसका सीक्वेंसेस है और रिपिटिटिव डीएनए सीक्वेंसेस का भी यूज़ किया गया जैसे माइक्रो सेटेलाइट भी करते हैं और इनका यूज करके हमने डीएनए के सीक्वेंसेस को अलाइन किया था इवन मतलब साइंटिस्ट ने अलाइन किया था तो यहाँ तक तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो थे डेफिनेटली इसमें बहुत से नए वर्ड्स हैं बहुत से नए मेथोडोलॉजीज़ हैं तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो आप डेफिनेटली मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा जिससे हम आपको उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें और उसके ऊपर दूसरे अदर वीडियोस बना सकें ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था आपकी एनसीईआरटी का आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी का इसको बहुत ही इजी तरीके से भी बनाया जा सकता था बट उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इसकी है वो नहीं मिल पाती है तो दैट मीन्स ये कम ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट के बारे में जो इसकी मेथोडोलॉजीज़ है और उसके बारे में हमने आपको ये कुछ बताया इसके बाद इस वीडियो में इतना ही और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो इस ह्यूमन जीनो प्रोजेक्ट के बारे में जो इसके सेलेंट फीचर्स थे दैट मीन्स कि आफ्टर कंप्लीट सिक्वेंसिंग ये जो पता लगा कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे हेमन जीरोम प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा